प्यारे बच्चों, आज विश्व दिव्यांग दिवस, वैसे विश्व विकलांग दिवस के नाम से इसे जानते हैं। अब इसका नाम यूनाइटेड नेशंस के द्वारा चेंज हो चुका है, इसका नाम हो गया है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये 1992 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष विश्व में जितने दिव्यांग है उनके लिए मनाया जाता है कि दिव्यांग बच्चे भी हमारे तरह ही होते हैं। जैसे आप सभी बच्चे हैं उसी तरह वो भी आपके समाज का हिस्सा होता है। हमारे विद्यालय में वैसे सभी बच्चे जो पढ़ते हैं यहाँ, उनको हमारा दायित्व बनता है तो उन बच्चों को सबसे पहले उसे स्वीकार करें कि आप सभी बच्चे जो कर सकते हैं वो CWSN या PWD चाइल्ड नर्सिंग के नाम जानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया नाम दिव्यांग शब्द जो है, वो बच्चे भी वो काम कर सकते हैं जिस काम को आप सभी लोग बहुत भी करते हैं। आज का दिन बहुत ही पावन दिन है क्योंकि इस दिन पूरे विश्व में जितने भी दिव्यांग लोग हैं वो अपने जो उनके समान बच्चे हैं इस पूरी दुनिया में या जिन लोगों ने उनके लिए काम किया है उनको याद करने का अवसर है। आज के दिन लुई ब्रेल को पूरी दुनिया याद कर रही है क्योंकि वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने पूरी दुनिया में जो दृष्टि दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने एक लिपि का इजाद किया जिसे हम ब्रेल लिपि के नाम से जानते हैं। आपकी क्लास में भी जो ऐसे बच्चे हैं उनको आपने देखा होगा कि ब्रेल स्लेट और स्टाइलस के द्वारा उन्हें लिखते हुए ये 6 डॉट से बना हुआ उपरी भी आकृति होती है जिसे टेक्टाइल मेथड से बच्चे उसे छू करके अनुभव करते हैं, उसे पढ़ते हैं। हम सब का दायित्व बनता है कि ऐसे बच्चे को जहाँ मदद की आवश्यकता है उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आत्मनिर्भर आत्मबल विकसित करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम उसकी मदद करें। यह कतई नहीं होना चाहिए कि जो PWD चाइल्ड हैं उनको हम इतना मदद करें कि वो अपने से कुछ कर ना पाए, फिर उसका कोई उस मदद का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। इसलिए हम उन्हें इस लायक बनाए, उनको वो सुविधा प्रदान करें ताकि अपने से उस काम को वो कर सके और साथ ही साथ इस समाज में अपने आप को एकोमोडेट कर सके और उनके लिए अब जो ऑक्यूपेशनल ऐसी पढ़ाई है ताकि उन्हें आगे बढ़ने में उन्हें पैसा उपार्जन, क्योंकि वह क्यों किसी के सहारा बने जो है, अगर वो उनके मम्मी पापा ही हैं तो सब दिन तो उनके मम्मी पापा नहीं रहेंगे, उन्हें आत्मनिर्भर तो बनना ही पड़ेगा जो है, ताकि ये हमारी सोसाइटी उन्हें स्वीकार कर सके कि अरे वो देखो वो लड़का जिन्हें कुछ सर्टेन लिमिटेशंस थे उनके बावजूद उन्होंने उस मुकाम को हासिल किया जहाँ एक सामान्य बच्चे उस चीज को नहीं कर पाए जो है। आज के दिन उन सभी लोगों को याद करने का दिन है कि जहाँ आइंस्टाइन, कहा जाता है कि आइंस्टाइन बचपन में जब वो क्लास में बैठते थे तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आती थी, भले हो सकता है कि उस समय जो उनके शिक्षक होंगे या समाज इस चीज को नहीं जानते होंगे कि इन्हें किस प्रकार की परेशानी है, लेकिन आज दुनिया जान रही है कि वो लर्निंग डिसेबल्ड जो एक नई परिभाषा है दिव्यांगता में, उसमें उस तरह के बच्चे को की समझ उतनी अच्छी नहीं होती है एक कुछ सर्टेन स्टांसेस के तहत जो है, लेकिन बाद में फिर वो बातें बदलती है और उस तरह की डिसेबिलिटी को हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है बौद्धिक दिव्यांगता उस श्रेणी में रखते हैं। उस तरह के बच्चे अगर उन्हें उनके शिक्षकों ने या वो सोसाइटी ने अगर वो स्थान नहीं दिया होता तो आज आइंस्टाइन के नाम से नहीं जाने जाते। इसीलिए हम उस तरह के बच्चे को अगर हमारे समाज में आसपास में कहीं इस तरह के बच्चे दिखाई पड़ते हैं और बाय द वे अगर ऐसा हो कि उन्हें उनकी पहुंच स्कूल तक नहीं है तो हमारे समाज का दायित्व बनता है कि उस तरह के बच्चे को हम सामान्य स्कूल में भेजें। पहले ये कंसेप्ट था कि उन तरह के बच्चों के लिए अलग जो है स्कूल खोले जाते थे और उस स्कूल में देखा जाता था जैसे हम कोई अगर विजुअली जो इम्पेयर्ड है उस तरह बच्चों के लिए स्कूल है तो वहाँ केवल उसी श्रेणी के बच्चे वहाँ पढ़ते थे, अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी के बच्चे थे तो वहाँ केवल उसी श्रेणी के बच्चे पढ़ते थे, लेकिन ये कहाँ तक जायज है? अगर एक ही हम समुदाय के साथ रहेंगे तो फिर हमारा मिक्सअप नहीं हो पाता है। अभी जो स्थिति है इंक्लूसिव एजुकेशन की बात चल रही है कि अभी
समाज इंक्लूसिव एजुकेशन को चाह रहा है कि इंक्लूसिव हो, ताकि सब बच्चे, उन्हें यह फीलिंग नहीं हो कि हम बाकी बच्चों से अलग हैं और इसलिए हमें एक सर्टेन ऐसे स्कूल में दे दिया गया है जहां हमारे तरह के बच्चे हैं। ये कतई नहीं होना चाहिए। हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम उसे समान स्कूल, आपका स्कूल, बगल का स्कूल, जो जितने भी स्कूल सरकार की तरफ से है या जो हमारे प्राइवेट स्कूल है, उन स्कूलों में भी उनके पढ़ने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वो अपने आप को ढाल सके और सबके साथ घुल मिल सके। उन्हें कतई हीन भावना से घोषित नहीं होना पड़े कि हम कुछ अलग हैं, इसीलिए हमें अलग स्कूल में भेज दिया गया है। आप ही में से अगर कुछ बच्चे को सर्टेन किसी एक ऐसे स्कूल में दे दिया जाए जहां केवल एक बंदिश के तहत आप पढ़ सके, ताकि मन में होगा कि बाहरी दुनिया कैसी होती है, कहां से उस दुनिया को देख पाए, तो उनके फीलिंग्स को समझे, समाज सबसे पहले उन्हें स्वीकार करें कि नहीं, वह भी सामान्य है, वह भी दूसरे बच्चे से अलग नहीं है। हाँ, उनके स्पेशल केयर की आवश्यकता है, स्पेशल नीड्स की आवश्यकता है। और यह एकदम जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आज अगर कोई दिव्यांग बच्चा आगे बढ़ा है तो निश्चित रूप से हम समाज ने ही उसे एक रास्ता दिया है, एक पाथवे दिया है, जिस रास्ता को चल करके उन्होंने उस मुकाम को हासिल किया जहां जो विदाउट CWS चाइल्ड है, जो विदाउट PWD है, जिनको की पर्सन में डिसेबिलिटी नहीं है, उस तरह की किसी दिव्यांगता की वो शिकार नहीं है, उन बच्चों ने उस मुकाम को हासिल किया है, उस मुकाम को वो भी हासिल करेंगे। तो ये चूंकि हम सभी विद्यालय में हैं, हमारा ये फर्ज बनता है, अगर कोई मिडिल स्कूल में या प्राइमरी स्कूल में बच्चों ने अपनी पढ़ाई करके ड्रॉप आउट कर दिया है, अगर वो छोड़ दिया है कि नहीं हम हाई स्कूल में पढ़ाई नहीं करेंगे, तो हमारा प्रभावित बनता है उन बच्चों को ढूंढ करके उन्हें स्कूल में एडमिशन कराएंगे। आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में ये इस बात का वर्णन है कि जो इस तरह के बच्चे हैं उनके लिए सरकार ने 3% का रिजर्वेशन जो है आरक्षण उन बच्चों को दिया गया है जो CWS चाइल्ड है जो है। तो निश्चित रूप से जब उसे सरकार के नजर को आते हैं हमारे आसपास में ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं, हमारा पता है तो क्या बनता है कि उसका लाभ तो उन्हें मिलना ही चाहिए, लेकिन उसके लिए उन्हें अपने पैर पर खड़ा होने में मदद कौन करेगा? बाहर से कोई नहीं आता मदद करने के लिए। मदद कौन करेगा? मदद हम आपको ही आना होगा। अगर चाहते हैं कि सही मामले में मेन स्ट्रीमिंग हो पाए, उसको बच्चे हमारे मेन स्ट्रीम में आ पाए, ऐसा उसे ना लगे अब वो जमाना नहीं है। पहले जमाने में हुआ करता था कि अगर कोई चलो पिछले ग्रेड बच्चे हैं तो उसे को तो स्कूल में नहीं पढ़ पाएगा, छोड़ छोड़ो उससे सुनने की बात बता दो। वो आपने देखा होगा कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जिसे गांव में सूरदास के नाम से जानते हैं, लेकिन क्यों भाई, उस वो सूरदास वो भी हमारे आपके जैसे ही सामान्य बच्चे हैं, तो ये भी अगर सुविधा दिया जाए तो उस काम सभी काम को कर सकते हैं जो आप हम सभी करते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों को पूरे रामायण याद है, पूरे महाभारत याद है, क्योंकि वो तक क्या है कि हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, हमें कितने सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन्स है, 5 सेंस ऑर्गन में हमारा क्या सब होता है, एक आंख है, कान है ना, उसी तरह हमारी त्वचा होती है, और क्या होता है, नाक है और जीभ है। तो अगर इसमें से कोई भी सेंस ऑर्गन, आपका एक सेंस ऑर्गन काम ना करे तो आप सोचिए जरा क्या कितनी परेशानी होगी जो है। तो ऐसा ही किसी न किसी सेंस ऑर्गन में उनको लिमिटेशन होते हैं, तो बाकी सेंस ऑर्गन जो है उस सेंस ऑर्गन को वो बच्चे क्या करते हैं कि डेवलप कर लेते हैं, उनको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कई लोगों ने आपने सुना कि गॉड गिफ्टेड, ऐसी कोई बात नहीं, गॉड गिफ्टेड ये सब जो भी हम पहले से प्री डिटरमाइंड हमारी कंसेप्ट होती है कि ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम आप ही मान लीजिए, हम आपके पास दो हाथ है, एक दाएं हाथ है एक बाएं हाथ है, कुछ लोग दाएं हाथ का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोगों को आपने देखा होगा बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। अब दाएं हाथ का जो इस्तेमाल करते हैं इसका क्या मतलब, बाएं हाथ का काम नहीं करता, ऐसा नहीं है, दाएं हाथ उन्होंने ज्यादा यूज किया, इसलिए जब भी आवश्यकता पड़ती है तो दाएं हाथ को ज्यादा यूज करते हैं, कभी कभार बाएं हाथ के। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनके दोनों हाथ फंक्शन करते हैं, कुछ लोगों ने ऐसा भी एग्जाम्पल दिया है कि वो दोनों हाथ से लिखते हैं, इस हाथ से कुछ नहीं पढ़े लिखते, इस हाथ से कुछ नहीं पढ़े लिखते हैं। तो प्रश्न यही है कि आपको वह व्यवस्था देनी है ताकि उनके जो सेंस ऑर्गन काम नहीं कर पाता है उस सेंस ऑर्गन को वो कितना जल्दी जो है डेवलप कर ले, उसके लिए हमें बस जो है जो एक आवश्यकता है, जैसे आपने अब शिक्षक भी है, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ तो हमें हमारे भी एक शिक्षक होने के नाते ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उन बच्चों को, सभी बच्चों को जो हमारे क्लास में ऐसे CWSN है, हो सकता है उसमें कोई MR बच्चे भी हो, मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं, कुछ बच्चे हियरिंग इंपेयर्ड होंगे, कुछ विजुअली
डिसेबल्ड हो सकते हैं, कुछ लर्निंग डिसेबल्ड हो सकते हैं, कुछ ऑटिज्म बच्चे हो सकते हैं, कुछ हाइपर एक्टिव हो सकते हैं, कुछ स्लो लर्नर हो सकते हैं। हमें ऐसे पढ़ना चाहिए कि सभी को हमारे इंफॉर्मेशन जो है वो आप सब तक पहुंच पाए। तो इसी तरीके से समाज में प्रत्येक लोगों को जो हमारे डिसेबिलिटीज में जो दिव्यांगता है, उस दिव्यांगता के लिए जितना भी बन पाता है, कहा जाता है कि बुंद बुंद से खराब बढ़ता है। अगर आप हम सभी मिलकर के छोटा छोटा अप्रोच देंगे, छोटी छोटी सहायता करेंगे और छोटी छोटी मोटी सहायता भी बड़ी बन जाती है, और इस तरीके से उस दिव्यांग बच्चे का कल्याण हो पाएगा जो अभी मेरे स्ट्रीम में नहीं है। हमारे समाज का हिस्सा तो है लेकिन आप हमसे बहुत दूर है। कोई कान में बैठा ये सोचता रहता है कि हम बिल्कुल बाकी लोगों से अलग है, इसीलिए हमें समाज ने वो स्वीकार नहीं किया है, वो स्वीकृति नहीं दी है। ऐसी बातें मन में नहीं आनी चाहिए। इस बात को त्याग करके आज विश्व विकलांग दिवस के अवसर पे जो हमारे इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उस दिन हम ये प्रण करते हैं कि हम सब मिलकर के उन बच्चों के विकास के लिए जितना संभव होगा उस काम को बखूबी करेंगे। जय हिंद, जय भारत। Hello.